नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि, जो परिवार के लिए समर्पित हैं, परिवार के खुशी में अपनी खुशी खोजते हैं, परिवार की संतुष्टि में स्वतः को संतुष्ट पाते हैं। मीन लगन, मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त का माह कैसा जाएगा, अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है आपके लिए, चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए चलें। चीज़ें हमारे चैनल पे टू द पॉइंट आपको मिलेंगी। एक और चीज़, अगर आपका इस माह में जन्मोत्सव है भाई, तो हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मोत्सव की मंगलमय शुभकामना। यावत जीवेत सुखम जीवेत जीवेत शरदा शतम। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, भगवान सदाशिव के शरण में रहना। भगवान सदाशिव सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो संसार के सारे सुख आप भोग सकते हैं, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से माँ बेहतर है। 18 तारीख तक ध्यान में आप हैं, 18 तारीख तक मन आपका अध्यात्म में लग रहा है, उसके बाद आपका जो मन है, आपका पराक्रम है, वो पुरुषार्थ की ओर भागेगा, वो धन कमाने की ओर भागेगा, वैसा उपक्रम करेगा जिससे भाग्य में आ रहे अवरोध खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु महाराज मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, और मंगल क्या है, मंगल आपके धन के स्वामी हैं, मंगल आपके भाग्य के स्वामी, मंगल मतलब भाई। तो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी की तरह हनुमान जी की सेवा करिएगा। हनु मतलब होता है मारने वाला, मान मतलब ईगो। अगर आप ईगो को मार सकते हैं ना, तो हनुमान जी बन सकते हैं, फिर आप राम की प्रिय हो जाएंगे, फिर छोटी मोटी चीज़ें आपको रोक ही नहीं पाएंगी। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, अस वरदीन जाने की माता। फिर भी बैठे रहे, शांति से बैठे रहे। माता ने बोला और कुछ चाहिए, फिर उन्होंने कहा राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। प्रसन्न हो गए, हाँ यही तो चाहिए। तो हनुमान जी की आराधना उपासना श्रेष्ठ परिणाम दे के जाएगी। मजे की बात यह है कि आपके भाग्य के स्वामी और आपके धन के स्वामी मंगल महाराज की युति बनी हुई है। कहाँ पे? तो युति बनी है पराक्रम के घर में। देखो मित्र, आपके ग्रह आपसे कहते हैं, अगर आप ग्रहों की सुनो ना, तो ग्रह बोलते हैं, और ज्योतिष बहुत सरल है, आप ज्योतिष करके देखें। नक्षत्र और ग्रह मिलके आपके सामने बोलना शुरू करेंगे, आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। जैसे आप कुंडली देखोगे ना, फटाफट वो बताना शुरू करेंगे, क्वेश्चन आया आंसर फटाक से दे देंगे। ज्योतिष भी जरूर सीखना। आपकी लगन, आपकी राशि मुक्ति की लगन है, मुक्ति की राशि है। परिवार के पोषण की लगन है, परिवार के पोषण की राशि है। तो समस्त मानवता की समृद्धि के लिए ज्योतिष का काम करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। यहाँ मंगल गुरु की युति श्रेष्ठ लाभ देने वाली है, मतलब गुरु ज्ञान का और मंगल पराक्रम का। तो भाई अगर योद्धा के पास ज्ञान भी हो जाए तो अर्जुन हो सकता है, योद्धा के पास ज्ञान कम रहेगा, पराक्रम रहेगा, तभी मनु हो सकता है। बस मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। किसी को अगर आघात लगता है तो राधे राधे। तो यहाँ पे आपका जो पराक्रम है वो ज्ञान का पुट लेके चल रहा है, इसलिए सभी तरह की परेशानियों को तोड़ देंगे। युद्ध भी तो आप देखें ना, तो युद्धों में कितने व्यूह बनते हैं। व्यूह का अगर ज्ञान है आपका, रणनीति का ज्ञान है, तो आप सफल होंगे। रणनीति का ज्ञान नहीं है तो गदा से फिर चक्रव्यूह नहीं टूटता ना। ताकत तो है, ज्ञान होना ज़रूरी है, और ज्ञान बल से, बुद्धि बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। मैं नहीं कहता, शास्त्रकार कहते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि बल से आपका भाग्योदय हो रहा है, श्रेष्ठ अवसर। बंधु बांधवों के सपोर्ट जरूर लीजिएगा, मित्रों के सहयोग से हो रहा है। सूर्य नारायण आपके बर्थ चार्ट पे जा रहे हैं, 15 तारीख को, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक शत्रुघ्नता योग में रहेंगे, मतलब वनडे परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। एकाग्रता जो थोड़ी सी भग्न हो रही थी, थोड़ी टूट रही थी, वो एकाग्रता आपकी वापस आ रही है। उदर विकार जो थोड़ा सा आ गया था, तकलीफ थी, वो उदर विकार धीरे से जा रहा है, ठीक है। एकाग्रता निश्चित रूप से बनेगी, शत्रु पराजित होंगे, वनडे परीक्षा में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रदेव आपके कुंडली में प्रेजेंट टाइम में विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं। क्या विपरीत राजयोग? शत्रुओं को मार देने की क्षमता रखते हैं, और ये पूरे शुक्र महाराज
25 अगस्त तक ऐसे रहेंगे। तो यह माह शत्रुओं से मुक्ति का है, मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि वैसे भी आपकी है, लेकिन यह माह शत्रुओं से मुक्त हो जाने का है, परेशानियों से मुक्त हो जाने का है। तो विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब परिस्थितियाँ बहुत नॉर्मल नहीं रहेंगी, लेकिन जो विपरीत होंगी तो उसमें आपका जो पराक्रम होगा, आपका धैर्य, आपका साहस, वो बढ़ चढ़ के बोलेगा। कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बुध महाराज भी यहीं पर रहेंगे और बुध महाराज बाद में वक्री हो जाएंगे। तो बुध का छठवें घर में होना बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा है। छठवें घर में जब बुध जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं व्यापार में अवरोध आ रहा है। सुख में घर में मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उसमें लोग रूठ जा रहे हैं। तो ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः, गणपति भगवान को दूर्वा चढ़ाते हुए चलिएगा। इसी माह में रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो रक्षाबंधन के पर्व पे बहन बेटियों को रक्षा बंधवाइएगा और साथ में उनको कुछ गिफ्ट दीजिएगा। देखो आप कितना गिफ्ट दे सकते हो, 1,000, 2,000, 4,000, वो आशीर्वाद लाखों के भाव में देते हैं। बड़े लोगों से संबंध रखिए, लेकिन छोटे लोगों से या अपने बराबर के लोगों से संबंध रखिए, आनंद प्राप्त करेंगे। बड़े लोग तो फिर आपको औकात दिखाते रहते हैं, तो उनसे संबंध बेहतर रखिएगा, बुध आपका ठीक होगा। अगर आपके अपने बहनों से रिलेशन ठीक नहीं है तो ठीक कर लीजिए, व्यापार में सुख मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, जीवन साथी का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, मम्मी का और बच्चों की मम्मी का, दोनों का केयर आपको इस माह में करना पड़ेगा। राहु महाराज यथावत हैं, राहु महाराज आपके लगन में ही हैं, लेकिन वो शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको श्रेष्ठता की ओर बढ़ा रहे हैं। केतु महाराज हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, या जीवन साथी के लिए थोड़ा सा उनका इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो थोड़ा कमज़ोर कर रहे हैं, तो जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिए। दो जगह आ गया है, तो माह आर्थिक रूप से समृद्धि के दृष्टिकोण से अच्छा जाएगा, भाग्य के रूप से भी आपका माह बेहतर जा रहा है, क्योंकि मंगल गुरु की युति श्रेष्ठ फल देने वाली है। चलिए डे टू डेट रहिए अपडेट, मैं आपको फटाफट 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक दो तीन मिनट में चीज़ों को कनेक्ट कर देता हूँ, बिल्कुल नई तरह की चीज़ें। कौन सी डेट अच्छी रहेगी आपको इस माह में, श्रेष्ठतम रहेगी, वो आप जान सकते हैं। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 तारीख 2 तारीख, ठीक है, 1 और 2 तारीख को दिन आपका बेहतर रहेगा, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, घर में थोड़ा वातावरण अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। 3, 4, 5 को भी बिल्कुल प्रेममय स्थिति रहेगी, संतान का प्रेम, एजुकेशन, कंसंट्रेशन, एकाग्रता और इष्ट से कनेक्टिविटी, बिना मांगे प्रेम मिलेगा इस दिन, तो आपके लिए मंगलमय शुभकामना। 6 और 7 तारीख को थोड़ा सावधानी से चलिएगा, 6 और 7 तारीख को कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, एकाग्रता ठीक नहीं रहेगी, प्रेम कहीं ना कहीं मुंह बना लेगा, ब्लॉक कर देगा। आजकल तो एक प्रेम की ये भी स्थिति है, ब्लॉक अन ब्लॉक तुरंत कर देते हैं, तो ऐसे रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। 8, 9, 10 प्रेम की पूर्ण प्राप्ति और सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रेम में पूर्ण सफलता, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। 8, 9, 10 को प्रातःकाल तक, 10, 11, 12 थोड़ा दबाव रहेगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा, थोड़ा एकाग्रता में कमी रहेगी, थोड़ा ससुराल वालों का भी प्रेशर आ सकता है। जीवन साथी को मत सुनाइएगा। एक बड़े मज़ेदार कोटेशन मैंने पढ़ा, एक व्यक्ति महात्मा के पास गए, बोले महाराज मैं अपनी कमी जानना चाहता हूँ। बोले कुछ नहीं, जा अपने जीवन साथी की थोड़ी बुराई कर दे, उनके घर वालों की बुराई कर दे, तुम्हें अपने ही नहीं अपने कुल परंपरा में जितनी कमियाँ थी सबका ज्ञान हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा बचा के रखिएगा। और 13, 14, 15 आप देखें तो अच्छा है, इस दिन भाग्य सपोर्ट करेगा, धर्म से जुड़ के आप करेंगे भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा, हालांकि मन दो तरफा भी भागेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी समय आपके लिए अच्छा है। 15, 16, 17 डेफिनेटली कर्म क्षेत्र में ग्रोथ कर रहे हैं, और 16 तारीख को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुस्सा ज़्यादा मत करिएगा, 16 तारीख को गुस्सा ज़्यादा आएगा, क्रोध ज़्यादा आएगा, क्रोध पाप का बाप है, तो क्रोध मत करिएगा, दिन अच्छा जाएगा। 18, 19, 20 श्रेष्ठ जाएगा, आपके हाथ में कला होगी, जो चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे कर ले जाओगे, ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, और उमस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आपके यहाँ भी गर्मी ज़्यादा होगी, जिस तरह से हम पेड़ काटते जा रहे हैं ना, गर्मियाँ तो आएंगी। एक हम वीडियो बनाने वाले थे कि आपके नक्षत्र के अनुसार कौन से वो 4 पेड़ लगाएं जिससे प्रकृति का संवर्धन हो, साथ में आपका आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास, पारिवारिक विकास हो, मौका मिलता है तो बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बटन को ऑन करके रखिएगा, जैसे वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो आप देखें 18, 19, 20 अच्छा जा रहा है,
2021-22 निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान आपको हो रहा है। इस दिन बेवजह आप प्रेम में पढ़ के खर्च कर देंगे। देखो, जो प्रेम में हो ना तो वचन मत देना और क्रोध में रिश्ता मत तोड़ना, दो चीज़ों का ध्यान रखना। 22-23-24 पूर्णतया खिले रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, बाग बाग बिल्कुल परिवार के साथ मस्ती में रहेंगे, परिवार के लोग भी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। 24-25-26 भी दिन आपके लिए अच्छा है। और 26-27 भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइएगा और अपने बच्चों को सिखाइएगा कि भगवान कृष्ण योगेश्वर कृष्ण क्यों है, वो जगत नियंता क्यों है, वो ब्रह्मांड नायक क्यों है। क्योंकि वो चूड़ी बेचने आया नहीं, नहीं, वो इसलिए कि पैदा होते ही जेल के दरवाजे तोड़ देते हैं, थोड़े बड़े होते हैं पूतना को मार देते हैं, थोड़े बड़े होते हैं कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं, और बड़े होते हैं गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठा लेते हैं, और बड़े होते हैं प्रकृति को अपने अनुसार करवट कर लेते हैं, कहते हैं सूर्यास्त सूर्यास्त। इसलिए देखो, अगर हम अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे तो ये छोटे पैजामा वाले गलत बातें सिखा देंगे। छोटे पैजामा से अपने बच्चों को बचा के रखिएगा। तो भगवान कृष्ण का उपासना आराधना अवश्य करिएगा। 28-29-30 निश्चित रूप से घर में सुख का वातावरण रहेगा घर में, लेकिन थोड़ा पेट संबंधी परेशानी आ सकती है, थोड़ा सा पेट संबंधी परेशानी रह सकती है। 30 और 31 बिल्कुल बल्ले बल्ले है, सब राधे राधे है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होती है। मासिक राशिफल आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और वीडियो को लोगों को शेयर करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक का या अनलाइक का बटन आपके सामने है, वो कर दीजिएगा और फॉरवर्ड नहीं करिएगा। राधे राधे।